चंदौली के अंदर बहुत गंदगी है, 5-7-10 साल से बिल्कुल काम नहीं हुआ। महंगाई तो बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत एक आम आदमी जो है प्राइवेट वाला है उसको तो दाल रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, बट उनको अच्छाई तो उनकी दिखनी है ना। इस वक्त मौजूद हूँ बैरोली की बुलबुलिया में और आपको बता दूं विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए तो जमीनी स्तर पे जो है कि तमाम लोग हैं उनसे उनका मूड टटोलने के लिए मैं उनके साथ जुड़ती हूँ और जानती हूँ अब की बार किसकी सरकार। सर क्या नाम? मेरा नाम प्रवीण बाली है, हम इधर के रहने वाले। कब से रह रहे हैं सर? मेरा भाई बस से इधर मैं रह रहा हूँ, मेरी एज अभी 62 है। विधानसभा तो के चुनाव नजदीक ऐसे में सत्ता में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या लगे उनके कार्यक्रम? आप तो पार्टी है ना, इस पार्टी में जब भी एनसीआर में कोई काम हुआ नहीं और ये गवर्नमेंट एक तरह से फेल गवर्नमेंट है और हमारी दिल्ली को 10 साल दिल्ली जो पहले करती थी वो 10 साल पीछे है, तो आपको हम लोग भी जो बात करें कि हम जमीनी स्तर पर काम करें, सड़कों को एवं बना के रखते हैं, सफाई की बात करें, सफाई पूरे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बात करते हैं, क्या लगता है उस तरह का काम हो रहा है? बरौली के अंदर तो बिल्कुल काम नहीं किया। आप और हमारा जो एरिया है वो एरिया तो उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। सर खराब कैसे बताएं? रोड टूटे हुए हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज और फ्लो रहे हैं, बाहर आ रहा पानी सारे बंद है और बरौली में अभी हमारा 62 हो गई बरौली में और जो भी यहाँ गवर्नमेंट या जो भी एम एल एस आते हैं उनको जो है इस एरिए की कोई आगे प्रोग्रेस के लिए या कोई उसको देखने का नहीं है, उन्होंने अपनी ध्यान नहीं। अच्छा, तो आप पार्टी जो है ना लास्ट 20-30 साल का अगर देखा जाए तो आप पार्टी सबसे बेकार पार्टी है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी नज़र में घोटाले बात साबित है। नहीं, घोटाले तो देखो ऑलमोस्ट घोटाले तो सामने आ ही रहे हैं जो आ रहे हैं, घोटाले पार्ट तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा किए, उसके बाद आपने किए, बीजेपी आएगी वो भी करेगी, बट बीजेपी करेगी तो वो खाली 20% पैसे जेब में डालेगी, 80-70 तो लगाएगी, बट आप वाले में तो 95% का कर दिया घोटाला, ओनली 4% लगा उन्होंने अपने एरिए में लगा। तो आम लोगों को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब आम जनता को कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली कुछ और। सर क्या लग रहा है जो आम आदमी पार्टी जब सत्ता में है तो उन्होंने वादे करे थे कि कभी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, अपने बच्चों की कसम खाई थी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, क्या लग रहा है जो उनकी सत्ता की जो शुरुआत थी वही झूठी बुनियादों से शुरू हुई थी? आप वाले सारे जो आपने जो भी उस समय कमिटमेंट की थी, जो भी लोगों को बोला था उन्होंने वो एक बात भी अपने स्टैंडर्ड पे नहीं रहे हैं, तो आई थिंक आप वाली पार्टी को तो लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सर अभी भी वो बात करें कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो पानी के बिल तो माफ़ करनी है, जो लोगों के पेंडिंग है सब फाड़ के आप फेंक दो, उसको आपको भरना नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार वापस आ गई, क्या लग रहा है सिर्फ फ्री बिजली फ्री पानी देने से क्या लग रहा है दिल्ली का विकास होगा? आम आदमी चाहता है कि जो मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ उसके लिए मैं पे करूँ, हम लोग कोई भी फ्री की सर्विस नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पे करें और हमारी एरिया या हमारी जो भी हमारी जो शहर है इसकी प्रोग्रेस इसकी तरक्की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हमें फ्री तो चाहिए नहीं। जो गवर्नमेंट या जो पार्टी फ्री का लालच दे रही है इसका मतलब है कि वो उस पार्टी के मन में चोर है और वो लोगों के लिए नहीं कुछ करेगी, वो खाली एक चुनावी एक जुमला है। सर क्या लग रहा है उन्होंने खुद की कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस पे यहाँ पे वोट मांग रहे हैं जनता से, इसलिए फ्री का प्रायोरिटी बांट के जनता से वोट बटोरना चाह रहे हैं? नहीं कुछ कर दिया है, आम आदमी ने जो भी कमिटमेंट किए थे आज से 10-12 साल पहले वो उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, तो इसलिए जो भी थोड़ा समझदार यहाँ का नागरिक है वो आपका सपोर्ट कभी नहीं करेगा। बाकी हर एक कम्युनिटी में हर एक तरह का आदमी होता है, कोई अपोजिशन में ही बैठता है तो कोई गवर्नमेंट में ही बैठता है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप पार्टी ने कोई लास्ट 10 या 15 साल में कोई काम नहीं किया और दिल्ली में तो कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजिशन वर्स्ट वर्स्ट है। सर अरविंद केजरीवाल जी वादे करते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि A1 डॉक्टर बिठा रहे हैं, A1 फैसिलिटी मिल रही है, क्या लग रहा है हकीकत में उसे आपसे बात हो रही है? सारे बंद है ना, वो सारे मोहल्ला क्लिनिक मोस्टली बंद है सर। 80-85% मोहल्ला क्लिनिक एज ए डस्टबिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। सर डस्टबिन में? या आप जाओ, हम कभी गए नहीं है बट हम भी रोडों पे निकलते हैं, हमने भी जी रियलिटी चेक की है तो बता रहे हैं, और जो चल भी रहे हैं
वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो बस वही है कि असिस्टेंट लेवल के लोग बैठे हुए हैं और असिस्टेंट लेवल के लोग जो भी वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोअर टू लोअर क्लास के लोग वहाँ जाते हैं, उनको वो क्या दवाई देते हैं आई डोंट नो। सर क्या लग रहा है फ्री की जगह पे लोगों को रोजगार देना चाहिए, जो एक के साथ एक शराब बांटते हैं? आप देखेंगे मेट्रो के पुल के नीचे जगह जगह पे शराबों के ठेके खुले हुए, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए आज सेफ है वो? कोई सेफ नहीं है, लोगों को एजुकेशन दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, गवर्नमेंट का काम है लोगों को एजुकेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना लोगों को, लिए जॉब की आगे पे रिक्वायरमेंट्स है तो लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ना कि दारू और उल्टे सीधे कामों में जो बेचारी गरीब जनता को धकेलना। तो आपको, आपने सारा जीवन ऐसे ही किया तो आपको आई थिंक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इस बार आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। सर क्या लग रहा है, अभी आपने मास्क पहन रखा है इतनी स्वच्छ हवा में भी, क्या लग रहा है प्रदूषण है ये क्या, किस तरह? बहुत ज़्यादा प्रदूषण है इसलिए मास्क लगाया है हमने, लेकिन दिल्ली और मेरोली के खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सब जगह जगह कूड़ेदान बने हुए हैं, घर के आगे कूड़े पड़े हुए हैं और ये नालियाँ बिल्कुल ओवरफ्लो हो पड़ी हैं, शिवर के पानी बाहर आ रहे हैं, तो मरोली की पार्षद और MLA तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो कभी यहाँ पर मरोली में कभी दौरे पे चलते हैं कि कैसे देखते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं कैसी हालत हो रखी है? आप मरोली का देखो, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कब से टूटी पड़ी हैं, उनको भी 10 साल हो गए आए हुए यहाँ, और शिवर देखो सारे पूरे दान देखो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये 4-5 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल मरोली में तो बिल्कुल कोई ना MLA काम कर रहे हैं ना पार्षद काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर में आते दोनों तो MLA दोनों फेलियर है क्या? बिल्कुल फेल है दोनों। सर वो तो वादे करते हैं कि स्मोक टावर खोलेगा जगह जगह पे जिससे प्रदूषण कम होएगा। कुछ नहीं खोल रखा उन्होंने, सब ऐसे ही है। अच्छा, कुछ नहीं खोल रखा, सब जुमला बहुत गंदगी है मरोली के अंदर, बहुत गंदगी है, 5-7-10 साल से बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सर पहले वो बोलते थे कि MCD हमारे अंडर में कर दी थी तो सारा जो सफाई का काम है पूरा ठीक तरीके से प्रॉपर होएगा, क्या लग रहा है जो MCD है उनके अंडर में आ गया उसका आपको सफाई हो रही है? बिल्कुल कोई सफाई वाई नहीं हो रही, सब ऐसे फुटवार कर दिए। तो सर क्या लग रहा है इस बार सत्ता में किसको दोहराएंगे? ये आम आदमी पार्टी को नहीं आएगी। अच्छा, तो किसको देखेंगे, विचार करेंगे। अच्छा, अभी तक सोचा नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे BJP को लाएंगे। अच्छा, BJP को किन किन चुनौतियों पर लाने वाले? देखो अब इनको भी चांस देंगे, पहले भी था इनका, लेकिन देखो अगर ये करते हैं इच्छा तो इनको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाते कि BJP सिर्फ जातिवाद फैलाते, हिंदू मुस्लिम करता है, तो धर्म की राजनीति करते हैं, क्या करें हम? देखो इतना टाइम हमने कांग्रेस को भी देखा, 10 साल से इनको भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी, क्या करें बताओ, कहाँ जाए आदमी? सर क्या लग रहा है, आपने अभी तक कांग्रेस का कार्यकाल भी देख लिया, आम आदमी पार्टी का, BJP का भी, किससे संतुष्ट है आप? अभी तक तो हम तो संतुष्ट है नहीं किसी से भी, अब आगे देखो क्या होता है। अच्छा, किसी सरकार से इतने संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी किसी से संतुष्ट नहीं, जो आता है वैसे ही है, लेकिन इस बार हम BJP को चांस देने की कोशिश करेंगे। सर लेकिन कहते हैं कांग्रेस के काल में महंगाई नहीं थी, आज महंगाई का दर इतना स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा है। महंगाई तो बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत, एक आम आदमी जो है प्राइवेट वाला है उसको तो दाल रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, घर के सारे मेंबर भी अगर काम करें तब भी दाल रोटी। कौन है इसका जिम्मेदार? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? तो बहुत ज्यादा, आठ दस साल में तो बहुत बुरा हाल हुआ। तो क्या फिर भी सर महंगाई को देखते हैं आज सड़कों में चले जाओ, बसें नहीं है, एक एक घंटा बस नहीं आती है, बसों की इतनी हालत खराब है, DTC की कोई बस नहीं आई है सर, हड़ताल पे जब से आम आदमी पार्टी आई है, DTC की एक भी गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं आई है, सब प्राइवेट गाड़ियां आई है, उनकी मर्जी है जब मर्जी स्ट्राइक कर देंगे ये तो। लेकिन सर वो तो BJP पे आरोप लगाती है कि उन्होंने सरकारी नौकरियां नहीं छोड़ी, सारी प्राइवेट कर दी है। अब देखो ये उनके उनके ऊपर कहेंगे, वो इनको कहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, ये जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, मतलब सिर्फ जनता को गुस्सा है। कमी तो देखो हर एक गवर्नमेंट में है, ये तो है नहीं, BJP भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, मतलब ये दोनों राजनीति एक दूसरे में टिकट डालने का लगा, जनता को गुस्सा कर रही है, शाम को बैठ के इकट्ठे बैठते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं, तो आदमी अब एक आम आदमी कहाँ जाएगा, किसको वोट देगा? मतलब जनता को गुमराह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी गलती को ठीकरा पोंछते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को ठीकरा पोंछते हैं, सारे एक ही थाली के चक्कर में पड़े। अच्छा सर, आपकी पेंशन वगैरह आती है? हाँ, मेरी पेंशन जी टाइम पे आती है, हमारी 5-6 महीने लेकिन अब टाइम पे आ रही है। 5-6 महीने मतलब अभी स्थिति की बता रहे हैं, पहले की बता रहे हैं? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी का भी मैं आपको साधार महीने के पहले की बात कर रहा हूँ, 5-6 महीने पेंशन नहीं आई, ये केजरीवाल सरकार ही है और अब आ रही है, अब आ रही है टाइम पे, वो शायद कोर्ट ने डायरेक्शन दी है जाने की, उससे भी आ रही है, अब आगे देखो क्या होता है। बाकी सर आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं? BJP। अच्छा,
बीजेपी में सर बताएंगे किन किन चुनौतियों को लाने वाले सत्ता में? देखो कांग्रेस के राज में, कांग्रेस ने राज 65 साल किया है और कांग्रेस राज में अंडर नहीं 10,000 स्कैम्स हुए हैं। आपने आपके वक्त आए 10 साल हुए और स्कैम 200 हो चुके हैं। बीजेपी का जो जब से हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी आए हैं मोदी जी, उनके राज में अभी तक कोई स्कैम नहीं है। तो हमें ये अज्यूम कर सकते हैं कि बीजेपी की जो भी MLA या जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें जो भी पैसा हमको जो भी फंड मिलेगा उसका 90-95% की अच्छाई के लिए लगेगा। तो इसी के ब्याह पे हम चाहते हैं कि हम इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आए और जो भी हमारे एरिया का जो भी MLA द्वारा आएंगे सर, आप बोल रहे बीजेपी में अभी तक कोई भी स्कैम नहीं हो, लेकिन अभी विपक्ष की ओर से आरोप लगा था, आपने सुना होगा कि बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला कि नोटबंदी है, उसमें जनता जो गरीब किसान है उनको लपेट में लेती है अपनी। नहीं नहीं देखो, जो मैं CA हूँ एक्चुअली, मैं बाय प्रोफेशन CA हूँ। जो नोट घोटाला हुआ था वो देश के हित में हुआ है। जो बाहर के हमारे जो साथ के मुल्क है, चाइना है, पाक है, बांग्लादेश है, जो हमारी फ्री करेंसी का यूज़ कर रहे हैं, तो मोदी ने तो बहुत बड़ा एक्शन उनके अगेंस्ट किया है। आज देखो पाक का क्या हाल है, पाक की इकॉनमी आज की डेट में डूबने पे है। उसका मेन रीजन ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी से एक्शन किए हैं, अपनी जो भी करेंसी कन्वर्ट कर दी है, उससे ये हमारे जो 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 पड़ोसी मुल्क हैं उनको उन पर इफेक्ट पड़ा है। और देखो जो अपोजिशन में बैठा है, अपोजिशन का काम ही होता है बोलना। अपोजिशन देश के लिए नहीं, ये आजकल पॉलिटिशियन प्रोफेशनल हो गए हैं, उनकी समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं CA हूँ ना, तो मैं अपनी दाल रोटी के लिए कुछ करने लगा हूँ, देश के लिए लेकिन वही गरीब कहते हैं कि 370 हटाने से हमारा क्या फायदा हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैं भी J&K से हूँ, मेरे फादर श्रीनगर से हैं और जो अपोजिशन में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था, उनसे ये पूछो कि श्रीनगर में जो लाल साल पहले जो भी नरसंहार वगैरह हुए उसका तो उसने अपोज नहीं किया। और उनको अपोज कहाँ करना है, जहाँ तक कोई अच्छा काम करने वाला आएगा, अच्छे आदमी को अपोज, एक आदमी मैं मानता हूँ कि हमारे PM साहब सीट पर बैठे हैं तो कोई एक आधा गलत काम कर दिया होगा, बट उनको अच्छाई तो उनकी दिखनी है ना। अपोजिशन जो अच्छे काम करते हैं उसको अपोज करने वाले 2,000 लोग उनके पीछे पड़े हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सब मुझे आगे बढ़ने में कुछ कहता नहीं, इनको ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, इनको अपनी जेब भरनी है, इनको कोई देश से कोई मतलब नहीं है। सर क्या लग रहा है, आप सब धर्म की राजनीति की जा रही है? नहीं की जा रही, कौन कह रहा है धर्म की नहीं जा रही? मैं अगर हिंदू हूँ, मैं अपना अगर हिंदू नाम के लिए बोलता हूँ तो मेरे को क्यों कहते हो कि तुम आपके धर्म की कर रहे हो? कहना नहीं चाहिए, मॉडर्न करते हैं ना हम, उनको तो नहीं करते, हम तो मॉडर्न को सपोर्ट कर रहे हैं, सिख को कर रहे हैं, ईसाई को कर रहे हैं, उनको कर सकते हैं। तो मैं अपने धर्म का नहीं बोल सकता, मुझे अपने धर्म के लिए सोचने का, अगर मैं अगर सोचता हूँ तो ये पॉलिटिक्स थोड़ी है सर। लेकिन बोलते हैं मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, वही दूसरी ओर आरोप लगाए जाते हैं कि जो मुस्लिम समाज है उनका अछूत की नजर से देखा जाता है। 90% जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सारे लेते मोहम्मदन ही है, हिंदू कोई भी नहीं देता है। हिंदू देखो DTC सारी फ्री है, जितना भी अभी अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है सारा, उसमें आप जाके देखो, आप जाते होंगे, आपकी एज है अभी, आपकी एज अभी 18-20 साल, सारी लेडीज मोहम्मदन होती है, हिंदुओं की 1% भी नहीं लेडी होती। हिंदू हमेशा चाहता है कि सारे पैरा फारा उसमें वो अपने आप कमाऊँ और अपने आप खाऊँ। उनकी जो भी लेडीज है वो उनमें अवेयरनेस है कि हमें कुछ करना है, बट उनमें अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं हमें देश के लिए जितनी गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो लेनी है, बट हमें देश को आगे बढ़ाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर लेकिन जो आज पढ़े लिखे जो युवा है जो डिग्री ले लेके घूम रहे हैं उनका कहना है कि आज रोजगार नहीं बचा है, हमको पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं, पढ़ने के बाद लकी करनी है। नहीं देखो आपके हाथ में डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इनिशियली अगर आपको 1,00,000 रुपए की जॉब आपको कोई देगा नहीं, और आपने अभी जो 20,000 की तकनी नहीं है, आपके हाथ में डिग्री है तो आपने डिग्री दिया, इनिशियल स्टेज पे जॉब मिल रही है वो आपने 20 की करो, उन्होंने 20 की कमी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आपने डिग्री आ गई है 1,00,000 की जॉब मिल जाएगी, 1,00,000 रुपये की जॉब नहीं मिलेगी। आपके और भी पीछे लोग बैठे हैं, वो बैठे हैं 20 की करने वाले,
तो इंसान को अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस आपको जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत जॉब है, बट आज की डेट में कोई भी जो न्यू जनरेशन है मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको तो बहुत एक्सपेक्ट वो बहुत कर रहे हैं कि मैंने अभी बीकॉम कर लिया मेरे को सैलरी 35,000 मिल रही है। तुम अपनी क्वालिफिकेशन देखो ना, खाली डिग्री होने से कुछ नहीं होता, आपने थोड़ा बात करने का भी कैलिबर होना चाहिए, ये बात है। तो ये भी यहाँ पे तमाम लोगों के नीचे तकलीफ लाइट है, देखते हैं।